और इस बीच एक और बड़ी खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई। एक्सप्रेस ने की है बड़ी कार्रवाई, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 30 कर्मचारी हुए हैं बर्खास्त। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 केबिन क्रू सदस्यों को निकाला है, कई और कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई फ्लाइट रद्द हुई थी बीमारी का हवाला देकर, हालांकि ये लोग सभी सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे। इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 70 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी थी, जो पैसेंजर्स थे उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई। अचानक से फ्लाइट जब कैंसिल हुई, एयरपोर्ट पर काफी लंबा समय उनको बिताना पड़ा। 30 कर्मचारियों को फिलहाल बर्खास्त कर चुकी है कंपनी एयर इंडिया, और अब ये जानकारी मिल रही है कि आगे भी कुछ ऐसा ही कड़ा कदम कंपनी उठा सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 फ्लाइट रद्द हुई है। केबिन क्रू सदस्यों के काम पर नहीं लौटने के चलते ये संकट गहराया है। हालात पर हालांकि नागर विमानन मंत्रालय नजर बनाए रखे हुए हैं, यात्रियों को रिफंड का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि कल भी कई फ्लाइट रद्द हुई थी, आज भी 74 फ्लाइट आज रद्द हुई है, क्योंकि 300 कर्मचारी एक साथ चले गए सामूहिक सिक लीव पर, मास सिक लीव पर, और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। बुजुर्ग भी थे उसमें, बच्चे भी वहां शामिल थे, और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई फ्लाइट्स कल भी रद्द हुई थी और आज भी। हालांकि अब बड़ा एक्शन इसमें लिया गया है, टर्मिनेशन लेटर 30 कर्मचारियों को फिलहाल पहुंचा दिया गया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी कुछ ऐसा ही कुछ कड़ा कदम आगे भी उन कर्मचारियों के लिए उठाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है, एयर इंडिया एक्सप्रेस को कर्मचारियों का आपको बता दें अल्टीमेटम है, शाम 4 बजे तक आप ड्यूटी ज्वाइन करिए, अल्टीमेटम दे दिया गया है, नहीं तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। क्योंकि एक साथ जब सारे कर्मचारी चले गए छुट्टी पर, ऐसे में परेशानी का सामना कंपनी को करना पड़ रहा है, एयर इंडिया को, और ऐसे में अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कर्मचारियों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से कि शाम 4 बजे तक का समय आपको दिया है, आप ड्यूटी पर वापस लौटिए, ड्यूटी को आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज कुछ कड़ा कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि 3 जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेशन लेटर पहुंच चुका है, और ऐसे में अब अल्टीमेटम दिया है बाकी कर्मचारियों, क्योंकि आप 4 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटिए, जॉब पर लौटिए, अदरवाइज कोई कड़ा कदम कंपनी लेगी। तो ये अल्टीमेटम अब कंपनी की तरफ से ले लिया गया है, क्योंकि ऐसे में फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही हैं, जो यात्री हैं वो खासे परेशान हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस मामले में बड़ा अपडेट है कि अब तक 90 कुल उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं एयर इंडिया को कर्मचारियों के चलते। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। तो सिक लीव पर गए कर्मचारियों को ये नोटिस है, कंपनी ने टर्मिनेशन का भी नोटिस दे दिया है, ऑपरेशन डिस्टर्ब करने का दोषी उनको माना है, और ऐसे में अब एयरलाइन कंपनी से विस्तृत एक रिपोर्ट मांगी गई है। एयरलाइन से मुद्दों को हल करने की अपील की गई है कि जिन पर असंतोष कर्मचारियों में है या जिन पर नाराजगी कर्मचारियों में है, उन मुद्दों को आप बैठिए, समझिए, बात करिए और उनको हल करिए। यात्रियों को डीजीसीए के मानदंडों के अनुसार सुविधाएं दी जाएं, ये एयरलाइन से उड्डयन मंत्रालय ने रिपोर्ट में मांगा है और इस चीज को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, लेकिन इस बीच शाम 4 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। केबिन क्रू के फिलहाल 30 कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। और भाई, मुंबई एयरपोर्ट के रनवे आज पूरे तरीके से रहेंगे बंद, ये बड़ी जानकारी है। दोनों रनवे सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रहने वाले हैं बंद। मॉनसून नियमित रखरखाव के चलते बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, मॉनसून के चलते, नियमित रखरखाव के चलते एयरपोर्ट बंद करने का निर्णय। 6 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट रहेगा बंद, रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगी कोई भी फ्लाइट। सुबह 11 बजे से ये जो एयरपोर्ट है, रनवे है, वो बंद हो जाएगा। नियमित रखरखाव मेंटेनेंस के चलते बंद किया गया है। सीएसएमआईए ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें ये जानकारी दी है कि 11 बजे से शाम के 5 बजे तक कुल ये 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद रखने का फैसला लिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हर साल मरम्मती की जाती है रनवे की। मेंटेनेंस के चलते, यात्रियों की सुरक्षा के ध्यान में चलते, हर साल इस तरीके से यहां पर काम होता है और मरम्मती की जाती है। एक्सपर्ट बारीकी से हर एक पहलू को जानते हैं, समझते हैं, मरम्मती करते हैं। बरसात के पहले मेंटेनेंस यहां पर किया जा रहा है ताकि भारी बारिश में भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, इंडिगो की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की, एयरलाइंस अपनी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर रही है, क्योंकि कुल 6 घंटे के लिए मुंबई एयरपोर्ट बंद करने का निर्णय इंडिगो ने पूरे एडवाइजरी को लेकर जारी कर दी है।
तो ये बड़ी जानकारी है, रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगी फ्लाइट। दोनों रनवे 6 घंटे के लिए बंद रहेंगे क्योंकि यहां मरम्मत का काम किया जाएगा। आपको तस्वीरें में देख पा रहे हैं कि ट्रक से भरे हुए लोड और जो लोडेड माल है जो जिसका इस्तेमाल रोड को मरम्मत के लिए किया जाएगा वह हाई क्वालिटी का जो मटेरियल जो है अंदर ले जाते हुए हमने अधिकारी से बातचीत भी किया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में बताया कि करीब जब रनवे बंद रहेगा उस दौरान 25 से 30 जो है वर्कर्स कर्मचारी कह सकते हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं वो लगातार काम करेंगे और दोनों रनवे पर एक साथ काम होगा और शाम 5 बजे तक दोनों रनवे बंद रहेंगे। देखिए ये जो क्वालिटी होती है उसकी पहले निरीक्षण कर लिया जाता है, तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रक भर के जो मटेरियल है वो अंदर ले जाया जाएगा जहाँ पर मरम्मत का काम किया जाएगा हाई। तो देखिए कि किस तरह से अब धीरे धीरे पूरी तैयारी कर, ये वही मटेरियल है जो मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जी सर। किस तरह का ये मटेरियल होता है? ये बिटुमिन डांबर का रहता है। डांबर होता है। ये क्या खास क्वालिटी का रहता है? खास क्वालिटी रहता है रनवे पे जो अभी बॉन्डिंग के लिए जो रहता है PNB मटेरियल रहता है। ओके, तो 6 घंटे तक आप लोग काम करेंगे अंदर? हाँ जी सर। कितने कर्मचारी एक साथ काम करते लगभग? अभी हम लोग का पूरा टोटल स्टाफ 25 रहेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 दिखा रहा है कि इसी मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ रनवे के लिए के मरम्मत के लिए किया जाएगा। चूँकि मुंबई का मानसून आने वाला है, मानसून से पहले हर बार जो है यहाँ मरम्मत का काम किया जाता है जिससे बारिश के समय किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाता है। यहाँ से मटेरियल अंदर ले जाते हुए हमने आपको तस्वीर दिखाई, आगे भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देख लीजिए भारत 24। देखिए तो आपने हमारे सहयोगी की पूरी रिपोर्ट वहां पर देखी कैसे मानसून आएगा उसके पहले ही मरम्मती का काम चल रहा है और मरम्मती के लिए जो सामान ले जाया जा रहा है वो भी आपको हमने दिखाया, क्योंकि आज सुबह 11 बजे से इस रनवे को बंद कर दिया जाएगा। 6 घंटे तक रनवे बंद रहेगा मानसून के चलते, नियमित रखरखाव के चलते, मेंटेनेंस के चलते बंद करने का निर्णय लिया गया है। शाम के 5 बजे तक बंद रहेगा और उसके बाद फिर यथावत चालू हो जाएगा। मानसून नियमित रखरखाव के कारण रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगी फ्लाइट ये 6 घंटे के लिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो ये बड़ी जानकारी है। तो रनवे को बंद करने का निर्णय और हर साल लिया जाता है इसी तरीके से, एक दिन के लिए जब पूरा मेंटेनेंस होता है, बारीकी से मेंटेनेंस किया जाता है, एक एक चीज की मरम्मती वहां पर की जाती है ताकि मानसून के चलते भी किसी तरीके की कोई परेशानी आगे चलकर ना हो।